नाशिक विभागीय स्थानक मतदार संघ के विधायक तथा महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सत्यजीत तांबे आज अकोला के दौरे पर थे। विधायक बनने के बाद पहली बार सत्यजीत तांबे अकोला दौरे पर आए। यूथ फोरम को फिर से सक्रिय करने वह अकोला पहुंचे। अकोला के साहित्य, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले मान्यवरों की भेंट लेने के बाद उन्होंने स्थानीय पत्रकारों के साथ मुक्त संवाद साधते हुए कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने राजनीति अलग रखकर राज्य के हितों के मुद्दे पर सभी ने एक होना चाहिए, ऐसा आह्वान उन्होंने इस अवसर पर किया है। पिछले 20 साल से मैं संगठन में काम कर रहा हूँ पूरे प्रदेश में, चाहे वो छात्र राजनीति हो चाहे युवा की राजनीति हो। इस राजनीति के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में मैंने एक दोस्तों का एक संगठन बनाया हुआ है, जिस संगठन को मैं काफ़ी दिलों से नहीं मिला था क्योंकि विधान परिषद का चुनाव जीतने के बाद मुझे कम मौका मिल रहा था मेरे चुनावी क्षेत्र के बाहर आने का। आज जो हमारा नागपुर अधिवेशन चल रहा है उस अधिवेशन से वापस नासिक की तरफ जाते वक्त मैं आज अकोला में रुका हूँ और पुराने और कुछ नए साथियों को यहाँ पे मिला हूँ। जय हिंद लोक चळवळ करके हमने एक संगठन बनाया है, इसको और मजबूती से कैसे काम कर सकते हैं और युवाओं को साथ में जोड़ के भविष्य की राजनीति और भविष्य का जो देश है, प्रदेश है, उसको कैसे हम खड़ा कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने आज यहाँ पे विचार विनिमय किया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए गुलाम मोहसिन, अकोला। रामदूत इंफ्रा ग्रुप लेकर आए हैं खास आपके लिए शिव तीर्थ नगरी 4, जो है वर्धा रोड जामदा स्टेडियम सहारा सिटी के पीछे। NMRDA विद RL प्लॉट्स, आर एमिनिटीज, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज एंड सीवेज, एंट्रेंस गेट, इलेक्ट्रिसिटी, SDVC रोड, ओपन स्पेस। बैंक लोन ऑल्सो अवेलेबल, 90% बैंक लोन फ्रॉम एनी नेशनलाइज्ड बैंक। फॉर मोर डिटेल्स कॉल मिस्टर राम गुप्ता 9689773228। आर ऑफिस एड्रेस, प्लॉट नंबर 12, सेकेंड फ्लोर, अमर ज्योति नगर, बेलदरोडी रोड, नियर मंद्रा शोरूम, नागपुर।